राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या समर्थक अपने घर पर अपनी इच्छा से पार्टी का झंडा, बैनर या कटआउट लगा सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा करने पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि किसी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक झंडे, बैनर या कटआउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 171H के तहत अपराध माना जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि अगर झंडे, बैनर पर उम्मीदवार का नाम या फोटो लगा हो तो उसे उम्मीदवार के चुनाव खर्च से भी जोड़ा जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर किसी पार्टी उम्मीदवार के कार्यकर्ता एवं समर्थकों द्वारा अपने घरों पर झंडा, बैनर लगाने या प्रदर्शन करने से किसी व्यक्ति या जनसामान्य को असुविधा होती है तो इसे भी IPC की धारा 171H का उल्लंघन माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ता या समर्थक अपने घर पर एक राजनीतिक दल के केवल 3 झंडे ही लगा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पार्टी या उम्मीदवार का झंडा अपने घर पर लगाना चाहता है तो वह हर पार्टी या उम्मीदवार का एक एक झंडा ही लगा सकेगा। उसे इस प्रकार के झंडे स्थानीय कानूनों के दायरे में ही लगाने होंगे और इस पर होने वाले खर्च का हिसाब निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक रखना होगा। आयोग ने पार्टी कार्यकर्ता के लिए 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहनों पर झंडा और स्टीकर लगाने के बारे में भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी निजी 2-पहिया वाहनों पर एक बायां आधा फीट का झंडा तथा 1 या 2 छोटे आकार के स्टीकर लगा सकते हैं। इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो किसी अन्य झंडे को लगा के वोट मांगने के लिए जाते हैं तो इसे IPC के प्रावधानों के द्वारा लागू करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।